मेहमान और आप आगे आके पूछोगे। ठीक है बेटे, सबको मेरी वॉइस आ रही है? बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले वो कर दो, जूम कर दो उसके बाद फिर। ओके बेटे, सबसे पहले मैं ये रूल्स आपको दिखाना चाहती हूँ क्वेश्चन करने से पहले। इंटीजर्स में हम जैसे हम नॉर्मल नंबर को प्लस और माइनस करते हैं, वैसे ही हम इंटीजर्स को भी प्लस और माइनस करते हैं। इंटीजर्स नंबर्स ही तो होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का साइन होता है उसमें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, दो पॉजिटिव नंबर लिए हमने, उनको जब प्लस करेंगे, सिर्फ अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एडिशन की, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, और जो प्लस करके आपके पास आएगा वो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है आंसर में हम बड़े नंबर का साइन लिखते हैं। ठीक है, ये रूल सबके लिए फॉलो होता है कि आंसर में हमने बड़े नंबर का साइन लिखना है। दैट इज द एंड ऑफ द कंसेप्ट। जब आप आंसर लिखते हो एंड में यही यूज करते हो कि हमने बड़े नंबर का साइन लगाना है, चाहे माइनस कर रहे हैं चाहे प्लस कर रहे हैं। ठीक है बेटे, जब दोनों पॉजिटिव है, सबको पता है कि हम ऐड करते हैं और आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद अगर दोनों नेगेटिव हो, दो नंबर्स हैं -4 और -7, या यहाँ पे मैंने -5 और -3 लिया है, दोनों नेगेटिव हो तो भी आपने प्लस ही करना है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है, अभी साइन मत देखो। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि दोनों का सेम साइन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम साइन है, सेम साइन है, यहाँ भी आपको दिख रहा है सेम साइन है, सेम साइन है, तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो वहां पे हम बिगर नंबर वाला साइन लगा रहे हैं। बिगर नंबर के आगे माइनस साइन था, -5 था, तो हमने आंसर में भी माइनस लगा दिया। ठीक है, अब आता है आपका, हो सकता है कि एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं पॉजिटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव को, यहाँ पे आपके आगे अपोजिट साइन, आपको दिख रहा है कि एक के पास प्लस है एक के पास नेगेटिव है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये रूल है आपका, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दोनों कौन, 6 एंड 2 की बात कर रही हूं मैं, यहां पे मैंने 5 और 3 की बात की है, साइन को नहीं देखा। दो नंबर्स को ऐड करना मतलब 5 और 3 को ऐड करना, दो नंबर को प्लस करना मतलब 4 और 3 को प्लस करना, मैं अभी साइन नहीं देख रही हूं। यहां पे मैं आपको कह रही हूं कि दो डिफरेंट साइन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, डिफरेंट साइन है, किस किस का, 6 और 2 का, 6 और -2 का, नहीं 6 और 2 का डिफरेंट साइन है। समझ आई सबको? दोनों का डिफरेंट साइन है, तो आप दोनों को माइनस करोगे, और साइन कौन सा आएगा आंसर में, बिगर नंबर वाला। यहाँ पे बिगर नंबर पॉजिटिव है, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव में ही आना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से पहले वाला नेगेटिव है, दूसरे वाला पॉजिटिव है, इसमें भी अपोजिट साइन आ गए, ये भी अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो हमें रूल पहले से ही पता है, जब भी अपोजिट होता है हम दोनों को माइनस करते हैं, तो मैंने 9 में से 4 को माइनस किया, आंसर आ गया 5। बट अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मेरे को देखना है कि बिगर नंबर साइन लगाना है मेरे को, दोनों में से बड़ा कौन सा था, 9, 9 का साइन आपका आंसर में आएगा। लास्ट वाला स्टेप नहीं दिख रहा। प्लीज नोट डाउन दिस रूल फॉर एडिशन। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, अभी दिख रहा है बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है, जिसको नोट करना है प्लीज नोट कर लो, शॉर्ट फॉर्म में यहां तक नोट करो कि ये चीज नोट कर लो, यहां तक ये नोट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने दोनों को करना क्या है। अभी हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन वाला मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। ये भी लिखो कि सेम साइन है तो हम ऐड कर रहे हैं, अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, वो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चल जाएगा, सिर्फ रूल लिख लो। एवरीबडी राइट डाउन, एवरीबडी, मैंने आपको बताया था जब भी किसी क्वेश्चन में रूल लगा के आप काम करते हो, वो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, रूल आपके सामने होना चाहिए।
या वेरी गुड, एवरीबडी हैज रिटन। सिर्फ ये दो कॉलम ही लिखने हैं, सेम साइन है तो ऐड करना है, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ये रूल किसके लिए है? हमारी एडिशन के लिए। आप देख रहे हो सब में ऐड का साइन आ रहा है, यहाँ पे ऐड 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 ऐड, सबको हम प्लस की बात कर रहे हैं। लिख लिए सबने? ओके अभी एक और टेबल बनाओ। जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपको, अभी हमने सब्ट्रैक्शन वाला करना है, ठीक है बेटे? व्हाइट बोर्ड निकालना। अभी हम सब्ट्रैक्शन का रूल लिखेंगे, ओके बेटे? एडिशन वाला सबने लिख लिया था, अभी आगे लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। बिल्कुल सेम ही है जैसे आपने यही लिखा है ना, अगर किसी की नोटबुक में सामने ही जगह होगी तो सामने ही लिख लेना, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हो? हमारे पास सपोज कर लो दो पॉजिटिव साइन है, दो पॉजिटिव साइन है, फिर हमारे पास दो नेगेटिव साइन है, ठीक है? फिर हमारे पास एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, फिर हमारे पास एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है बेटे? सेम, मैंने सेम ही पैटर्न लिखा है जो उसमें लिखा था। अभी वेट, बोर्ड को ठीक कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इसको विजिबल है सबको, दिख रहा है बेटा? यस ओके वेरी गुड। जैसे हमने पहले में हमने दोनों प्लस लिखे थे, दोनों माइनस लिखे थे, दोनों एक प्लस लिखा था एक माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा था, सेम वे में मैंने दोबारा अभी सब्ट्रैक्शन के लिए रूल आपको बताना है। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, अभी हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल चल रहा है, ठीक है बेटे? जब आपका सब्ट्रैक्शन में सेम साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? सेम साइन आता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है, और जब हमारे पास डिफरेंट साइन होता है तो हम उनको ऐड करते हैं। आज जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप ये रूल अपने सामने रखना, ठीक है? देखना कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, ओके? और यहाँ भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, ये डिफरेंट साइन है, ठीक है? और इसके बाद लास्ट चीज एक और क्या लिखने वाली है, जो सारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है, कि आंसर में बिगर नंबर का साइन आना चाहिए। इज इट क्लियर? वो तो पता ही है सबको, यस। यस तो वो जो रूल है वो सबके लिए फॉलो हो रहा है, कि बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर साइन इन आंसर, साइन बस पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं आपके नेम बुलाने वाली हूँ, मैम बोले थे नेम बुलाइए, आपके नेम ले आना मैम, प्लीज नोट इट डाउन। ये आपका टेबल बेटा रेडी होना चाहिए, ओके? और ये टेबल छुपाना नहीं है, सामने रखो। जब भी इंटीजर्स का चैप्टर रखना करना है, ये रूल आपके सामने होना चाहिए। जिस इसने लिख लिया रेज योर हैंड। यस, अभी 6G में कुछ बच्चे लिख रहे हैं, गुड गुड, लिख लो बेटा, कंप्लीट करो इसको, फिर मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चंस। अब दोनों रूल आपके सामने हैं, एडिशन वाला भी और सब्ट्रैक्शन वाला भी, ठीक है? लास्ट टाइम मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ, आप भी चेक कर लो कि आपने सेम चीज लिखी है कि नहीं। 6A में गर्ल्स कुछ पूछना चाहते हो? ओके, आपके एडिशन का रूल क्या था, कि जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? बैड सब्ट्रैक्शन में जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? बैड
सब्ट्रैक्ट, उल्टा हो गया ना दोनों का, याद हो गया सबको। यस और एडिशन में अगर उल्टे साइन हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। और माइनस में जब उल्टे साइन होते हैं तो क्या करते हो? ऐड करते हैं। ठीक है, ये रूल अपने सामने रखो, अभी आपको चाहे याद हो भी गया तो भी सामने रखो, ताकि हमारे क्वेश्चन की गलती ना हो। ठीक है बेटे, कल हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद आ जाओ आप एसर्शन रीजन पे। ओके, अभी मैं इसके बाद जो भी पूछूंगी नाम बुला के पूछूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो बच्चों को आता है वो तो यस यस बोलते रहे और बाकियों को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं अभी नाम से बुलाऊंगी अगली बार। ओके, तो अभी हम एसर्शन रीजन शुरू करने वाले हैं बेटा। रूल आपके सामने है, आई एम गोइंग टू क्लीन इट। ओके, एसर्शन रीजन फर्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन इज माइनस, आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पेन आपका चलना चाहिए अगर मेरे को राइट आंसर बताना है तो। एसर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर वन, -32 + 11। मेरे को सबने आंसर नहीं देना, रूल आपके सामने है। ठीक है, रूल आपके सामने है, और इसमें बीच में प्लस का साइन है और आपको दिख रहा है कि ये अपोजिट साइन है, दिख रहा है यहाँ पे अपोजिट साइन है, एडिशन हो रही है और अपोजिट साइन है। रूल पढ़ो फटाफट, इसका क्या था बताना नहीं है अभी, सिर्फ पढ़ना है। 6D रोमल, डी सेक्शन रोमल आई है? मैम स्कूल लीव नहीं है। ओके, कबीर 6D, रूल रूल अपने साथ ही लेके आना है क्योंकि आपने पढ़ को पढ़ के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा एडिशन का और साइन है इनके अपोजिट, जल्दी से बता दो, देख के क्या करोगे दोनों को। सब्ट्रैक्ट हाँ, ये बताना है कि एडिशन करनी है या सबट्रैक्शन करनी है दोनों को। सबट्रैक्शन करनी है, सबट्रैक्शन इसमें से जब करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस या माइनस? अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, माइनस माइनस आएगा है ना। वेरी गुड, तो फिर ये ट्रू होगा या फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स ओके, राइट डाउन फॉल्स। ठीक है, रीजन प्लीज गो बैक बेटे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया आपने। रीजन, व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज एडेड, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, इग्नोरिंग द साइन ऑफ द नंबर्स डिसाइड विच इज बिगर। ठीक है, आपको यहां तक समझ आ रहा है क्वेश्चन? ब्रैकेट से पहले वाला सेंटेंस समझ आ रहा है कि व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर और यस नेगेटिव इंटीजर को जमा किया जाता है, प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, इग्नोरिंग द साइन ऑफ द नंबर्स डिसाइड विच इज बिगर। ओके, तो क्या आएगा ये, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू, किस किस को पता है ट्रू, रेज योर हैंड। वेरी गुड, यही तो रूल हमने लगाया है इसमें अभी है ना, तो रीजन हमारा फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आएगा। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है इसमें बेटे? ओके, स्लोली बोलो, कोई बात नहीं, तो शाउट नहीं करना क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी आवाज मेरे तक बहुत अच्छे से क्लियरली सुन पा रही हूँ मैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, रूल अपने सामने रखो, रूल पढ़ के बताना है, ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा आपका। ओके, या क्वेश्चन इज -7, क्वेश्चन भी लिखो, आपको ये सॉल्व करना है, ओरल नहीं करना इसको, ओरल आप तब करना जब परफेक्ट हो जाओगे। -7 माइनस -11। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, इसको सर्कल लगा लो कि हम दोनों को कर क्या रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं दोनों को, माइनस, ये तो पता चल ही रहा है आपको। ठीक है, जब सेम साइन को माइनस करते हो तो क्या करते हैं, एड सेम साइन को, पढ़ो जरा रूल पढ़ो, सब्ट्रैक्शन वाला में रूल पढ़ो कि जब सेम साइन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या करते हो। सब्ट्रैक्ट
रूल पढ़ के बताना बेटे मेरे को। ओके दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 11 माइनस 7 करो, 11 माइनस 7 कितना आएगा? फोर। और साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला। बड़े नंबर का साइन क्या था? बड़ा नंबर कौन सा इनमें से? 11। 11 का साइन कौन सा है? 11 का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ गया, -4। ये आपका सॉरी, ये 11 आपका पास प्लस क्यों बन गया यहाँ पे? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे, जब आपने ब्रैकेट खोली। -7 प्लस 11 तो ये आपके पास +4 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ अभी प्लस साइन है, आपने जब ब्रैकेट खोली है। आपको पता है बेटे एक और चीज, कि आप बोर्ड मास में आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, बताया गया था आपको, है ना? Yes. तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं थी, इसलिए हमने ब्रैकेट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। इसमें ब्रैकेट लगी है, तो आपको करना पड़ेगा -7 माइनस और माइनस प्लस प्लस 11। ठीक है, अब हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, रूल पढ़ो अपना, प्लस भी कर रही है और अपोजिट साइन भी है, अपोजिट साइन है तो माइनस करोगे, और आंसर में कौन सा नंबर आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 11 के साथ पॉजिटिव साइन है। तो प्लीज रिमेम्बर, जब किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलनी है। ओके तो ये ट्रू होगा ये फॉल्स बेटा, एसर्शन? वेरी True. गुड, सबको पता चल रहा है ये। ओके, रीजन टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम एन इंटीजर, इट इज इनफ टू एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। मतलब क्या है इसका? टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम एन इंटीजर, एक इंटीजर को दूसरे में से माइनस करने के लिए, इट इज इनफ टू एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। अभी मैं इसको समझाती हूँ। क्वेश्चन था टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर, इट इज इनफ टू एड, क्या ऐड करना? उसका एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? -7 प्लस 11 ही तो किया है ना, इसमें क्या ऐड किया हमने? 11 माइनस 11 का एडिटिव इनवर्स को हमने प्लस कर दिया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कौन बताएगा? वरुण भाटिया 6C, वरुण आर यू प्रेजेंट टुडे? ओके वेरी गुड, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बताओगे? हमने पहले किया था पिछली असाइनमेंट में, एमसीक्यू में भी किया था। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वरुण अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनना, अभी मैं किसी और बच्चे से पूछने वाली हूँ, या आप रजिस्टर में ढूंढ रहे हो, देख के बता दो पिछले मॉड्यूल में हमने क्या किया था। टेक योर ओन टाइम, वेरी गुड। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5, पता है सबको? -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 10, अपोजिट साइन लगा देना है। और वरुण अभी आप मेरे को बताओ कि -11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यस, थोड़ा ऊंचा बोलो बेटे। 11 11। तो वही वो स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि जब हम एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करते हैं तो इट इज इनफ, अगर हमने उसके एडिटिव इनवर्स को यहाँ पे प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो हमने किया इसी क्वेश्चन में। ओके ठीक है वरुण से डाउन, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होगी और हमारी ये ऑप्शन आएगी, क्योंकि दोनों ही ट्रू है और दोनों ये रीजन। बात आएगा। ये बात सबको समझ आ गई कि हमने जो ए असर्शन में किया वही हमने रीजन में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो -11 से +11 कैसे बना। ओके ये ऑप्शन आ रही है इसकी। ओके थर्ड क्वेश्चन, असर्शन 50 माइनस 50 माइनस -30 +2 माइनस 5। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर सबसे पहले आपने ब्रैकेट खोलनी है, वो तो श्योर ही है। ठीक है ब्रैकेट खोलो सबसे पहले, 50 माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा?
जब टू नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है? व्हाट इज माइनस इनटू माइनस? मैम ट्रू प्लस प्लस होता है, ठीक है? तो ये आ जाएगा प्लस 30 प्लस 2 माइनस 5। इसको सॉल्व करके देखो, सबको आता है सॉल्व करना? स्टेप वाइज सॉल्व करो दो 77 दो नंबर को। 77 77 आ रहा है, सबका आ रहा है, सबने करना है क्योंकि अभी मैं फिर नाम लिखे पूछने वाली हूँ। सानिया 6G, 6G सानिया, सानिया इज प्रेजेंट। सानिया आई है बेटे? मैंने जी बोला है, अगर किसी और में भी है तो आगे आ जाओ। मैंने वेट 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 वेट, यस बताओ बेटे, 6B में ये बताओगे ये इसका 77 प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है? प्लस। सॉल्व किया आपने? वेरी गुड, दिस इज ट्रू। तो आपने किस नो मतलब फिर आपको करना पड़ेगा बेटे, सॉल्व करके बताना है मेरे को, किसी का सुन के नहीं बताना। ओके जाओ सॉल्व करो, जाओ सीट पे बैठो, जल्दी से करो। जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रही हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 80 आएगा, 80 में प्लस 2 करोगे ठीक है, 82 आएगा, फिर 82 में से माइनस 5 करोगे तो 77 आएगा। स्टेप वाइज करना है, आपने दो दो नंबर को लेके सॉल्व करना है ठीक है। ये मैंने आपको रफ वर्क में बताया कि दो दो नंबर के बारे में हमने सोचना है और उनको सॉल्व करना है, ये काम आपका रफ में होना चाहिए। फाइन, दिस इज ट्रू। माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 8 आर नेगेटिव इंटीजर, वाइल 10 12 15 17 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मैम ट्रू यस ट्रू पता है, वेरी गुड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, दिस इज ट्रू। तो दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, लेकिन ए होगा या बी होगा? बी बी ऑप्शन आएगी क्योंकि हमारा रीजन में कोई और बात कर रहे हैं हम इंटीजर्स के बारे में, और एसर्शन में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक है बेटे। चलो नेक्स्ट, चलो फोर्थ क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है थर्ड क्वेश्चन तक? नो सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोलनी है, उसके बाद हमने रूल अप्लाई करना है प्लस या माइनस का। फोर्थ क्वेश्चन, 1 2 3 4 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, एंड 0 1 2 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान से आप पढ़ो फिर मेरे को बताना ट्रू है ये। फॉल्स अभी पढ़ा नहीं है आपने, दो बार पढ़ो इसको पहले, मेरे को बताने से पहले दो बार पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ट्रू है ट्रू चलो मैं बुलाती हूँ अभी, जन्नत ट्रू भाटिया 6B, जन्नत भाटिया आर यू देयर? आगे आ जाओ, वेरी गुड। स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ मेरे को, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यस यस ट्रू, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, क्लियरली दिख रहा है, सारे पॉजिटिव नंबर है, फिर उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर है, और उसके बाद 0 1 2 जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स है। जीरो का तो वैसे कोई साइन ही नहीं होता तो हम उसको नेगेटिव तो नहीं बोल सकते ना, उसका उसके आगे हम कोई साइन नहीं लगाते हैं तो ना, क्योंकि वो ना इधर पॉजिटिव होता है नॉन नेगेटिव होता है, तो हम उसको पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं। ओके दिस इज ट्रू, वेरी गुड, सिट डाउन, दिस इज ट्रू। रीजन, 0 इज अ नेगेटिव इंटीजर, फॉल्स। पता है 0 नेगेटिव कभी भी नहीं होता। ओके दिस इज फॉल्स, तो हमारी सी ऑप्शन आएगी फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन आएगी। असर्शन हमारा ट्रू था और रीजन फॉल्स ठीक है। चलो आगे, केस स्टडी क्वेश्चन है, पेन अपना तैयार कर लो, ये क्वेश्चन सारे लिख के करने वाले हैं।
ठीक है, एक रफ कॉलम आपका तैयार होना चाहिए और एक क्वेश्चन के लिए जगह होनी चाहिए। गिवन ए इज इक्वल टू -7, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -15। जो चीज गिवन है उसको ऊपर लिख लो, शीट में देखना नहीं है, अपनी नोटबुक में लिखना है उसको। जब जैसे आप उसको अपने हाथ से लिख लोगे ना, आधा क्वेश्चन आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू द डिफरेंस ऑफ सी एंड डी द सम ऑफ ए एंड बी इज एडेड। डिफरेंस ऑफ सी एंड डी, डिफरेंस ऑफ सी एंड डी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जपजोत सिंह, 6B, डिफरेंस ऑफ सी एंड डी। यस बताओ बेटे। सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बेटे, जब बताए ना डिफरेंस ऑफ सी एंड डी, तो आप इसको सी माइनस डी मानोगे। दिस इज, इसका मतलब है सी माइनस डी। ओके, ये पूछ रही थी आपसे, माइनस तो करना है दोनों को, लेकिन डी माइनस सी करना है या सी माइनस डी, उसके बारे में सोचना है हमने। ओके, जब डिफरेंस ऑफ सी एंड डी लिखा है तो पहले सी लिखोगे फिर डी लिखोगे, ठीक है? चलो जाके सॉल्व करो। वेरी गुड, जल्दी बताओ सी माइनस डी क्या आ रहा है। 12 माइनस -15, फिर इनकी नंबर्स लिख लो। 12 माइनस -15, 27 यस यस, काफी बच्चों ने कर लिया -15। सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी है, मैंने आपको बताया था, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, है ना? 12 के साथ ये 12 है, ये माइनस है, -15, तो 12 प्लस 15 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। सबने किया इसको? यस, 27, वेरी गुड। -27 नहीं आ रहा, किसी ने -27 भी बोला था शायद, बोला था किसी ने -27। इसको ठीक कर लो, बाई चांस किसी ने लिखा था तो, क्योंकि अब ये 15 जो है वो प्लस बन चुका है, पहले ये माइनस था, अभी ये प्लस बन चुका है ब्रैकेट खोलने के बाद, तो हम प्लस के साइन को यूज करेंगे। दिस इज 27 एंड द सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी करो। ए एंड बी बहुत इजी है ये तो, -7 +6, रूल रूल देखते जाओ अपने, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है और डायरेक्टली रूल ही लगाना है बस। पॉजिटिव -1, वेट, किसने बोला +1? जिसने +1 बोला है, अपना रूल खोल के जरा एक बार रूल पढ़ो। माइनस -1, हाथ खड़े करो जो जो कह रहे हैं -1। गुड, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे और आंसर आएगा -1। अभी हमने दोनों का निकालना था डिफरेंस। टू द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, द सम ऑफ ए एंड बी इज एडेड, व्हाट इज द रिजल्ट? तो हमारा आंसर आ रहा था 27 प्लस -1, कितना आएगा? 26। 26 26, बेटा ये पूरा पूरा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। नोटबुक में लिख रहे हो सारे? ये ओरल करने वाला नहीं है क्वेश्चन। ऑप्शन इसकी ए मार्क कर लो, अगर आपको मैं आगे टेस्ट भी दूंगी तो टेस्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिख के देखना पड़ेगा और आपको रूल भी याद करना पड़ेगा, ठीक है? उस समय फिर मैं नहीं हेल्प करूंगी आपकी। सेकंड क्वेश्चन, टू द सम ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी, ए प्लस डी को ऐड कर लो, ए एंड डी को ऐड करना है हमने। -7 माइनस, सॉरी बीच में प्लस लगाओ, बीच में -15, पहले तो जो बताया ना उन्होंने, ऐसे कैसे उसको लिख लो जल्दी से, ऐड बोले तो बीच में प्लस का साइन लगा दो, फिर उसके बाद ब्रैकेट खोलो आप। -7 -15, ये सबको पता है, क्या करोगे दोनों को?
प्लस यस प्लस करोगी, ठीक है, दोनों का ऑपोजिट साइन है तो प्लस करोगी, आपको पता ही है, तो -22 आएगा, बड़ा नंबर माइनस वाला था, तो इसलिए ये सर्कल आपने नहीं लगाना, क्योंकि आपको फिर ऐसे ना लगे कि ये ब्रैकेट है, दिस इज नॉट ब्रैकेट, नॉर्मल माइनस साइन है, ठीक है, सेम साइन है, तो हमने दोनों को प्लस किया और बड़े नंबर वाला साइन लगा दिया। टू द सम ऑफ ए एंड डी द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी इज एडेड, डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, बी माइनस सी निकालो, बी माइनस सी इज इक्वल टू 6 माइनस 12, डिफरेंस ऑफ बी एंड सी है, मैंने आपको बताया था जिसका दिया हो उन्हीं उसी नंबर को हम पहले लिखते हैं, -6, -6। वेरी गुड, ठीक है, हमने इन दोनों को क्या करना था, सम, दोनों का सम निकालना है हमने, ओके ऐड करो दोनों को, -22 प्लस -6 -28। माइनस, यस, बिकॉज सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद हमने दोनों को रूल फॉलो करना है, तो ये आ जाएगा -28, टिल हेयर, जहां तक हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, किसके ये ठीक आंसर्स आए हैं मेरे साथ साथ, रेज योर हैंड, सिंसियरली बताना है ना, जिसके ठीक आंसर मेरे साथ साथ आ रहे हैं, वेरी गुड, आप अगर रूल देख भी रहे हो साथ साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर कर रहे हो, रूल देखने ही पड़ेंगे, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों को समझ आ रहा है, यस, किसी को कोई डाउट है तो आगे आके पूछ भी सकते हो, सेकेंड ऑप्शन -28। हाँ सेकंड की ए ऑप्शन है -28, इसमें 2 -28 लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, एक को प्लस कर लो, एक को प्लस बना लो, एक को माइनस कर लो, दोनों ऑप्शन -28 है ना आपके, ठीक है, बी वाली को प्लस बना लो या फिर ए वाली को प्लस बना लो, आंसर इसका आ रहा है -28, ठीक है बेटे, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन, टू द सम ऑफ बी एंड सी, थर्ड क्वेश्चन, टू द सम ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का सम, बी प्लस सी हम करेंगे 6 प्लस 12, दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, बहुत ही आसान है, 18, मेडिन यस, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं था, टू द सम ऑफ बी एंड सी द सम ऑफ ए एंड डी इज एडेड, सम ऑफ ए एंड डी, ए प्लस डी करो, ए हमारे पास है -7 प्लस डी हमारे पास है -15, मैं -4 आंसर। प्लीज वेट, सबको करने दो, धीरे धीरे ये सब करने, ज्यादा भागना नहीं है बेटा, फिर ये अगर अभी गलती हो गई ना, अभी नहीं समझ आया तो आगे नहीं समझ आएगा, -22, ठीक है, वो 18 आ रहा है, आपने निकाला था इनका सम, टू द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो आपका आएगा 18 प्लस -22 इज इक्वल टू -4, बड़े नंबर वाला साइन आएगा, क्योंकि हमने दोनों को माइनस किया है, ठीक है बेटे, थर्ड क्वेश्चन की डी ऑप्शन आ रही है, क्वेश्चन नंबर 4, किसको डाउट है यहां तक, किसी को कुछ पूछना है, नो पीछे जो बच्चे बैठे हैं, रूल आपके सामने लिखे हुए हैं, सब सबने फॉलो कर रहे हो रूल, यस कि हर एक क्वेश्चन में हमारा रूल चल रहा है, ठीक है, रूल में बस हमने ब्रैकेट की बात नहीं की थी, तो ब्रैकेट आपको बस खोलनी है, बस छोटा सा काम पहले करना है, शुरू करने से पहले, ओके, फोर्थ क्वेश्चन, टू द डिफरेंस ऑफ ए एंड डी, डिफरेंस ऑफ ए एंड डी, तो ए एंड डी का डिफरेंस है, तो हम ए माइनस डी करेंगे, ठीक है, सिंपल सा, इसको ज्यादा सोचना नहीं है कि हम किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसने ए एंड डी का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस बोला है, तो पहले ए को लिख दो फिर डी को लिख दो,
ठीक है, ये आपके पास था -7, ठीक है, माइनस डी आपके पास है -15, तो हमारे पास आ जाएगा -7 + 15 बिना ब्रैकेट के, ठीक है, अपोजिट साइन है दोनों, क्या करोगे दोनों को, प्लस नंबर या माइनस, माइनस करेंगे, माइनस यस, करेंगे और साइन कौन सा आएगा बेटे, क्या टाइम बड़े नंबर वाला, पॉजिटिव, +8, ठीक है। उसके बाद है बी माइनस सी, डिफरेंस ऑफ बी एंड सी है, डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, बी हमारे पास है 6 माइनस सी हमारे पास है 12। सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, सिक्स माइनस ट्वेल्व, -6 सिक्स माइनस ट्वेल्व कितना आएगा, माइनस -6 सिक्स है ना, बड़े नंबर वाला साइन आएगा ना, -6 -6 आएगा। तो हमने करना क्या था, दोनों को ऐड करना था, टू मैड द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, आंसर टू यस, टू आंसर आंसर आ रहा, वेरी गुड, मार्क कर लो इसको, फोर्थ क्वेश्चन बी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है ये टू कैसे आया, हाथ खड़े करके आगे आ जाओ एक बार पूछने के लिए, किसी को अगर नहीं समझ आया कि ये टू कैसे आया, चलो वेरी गुड, सबको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द सम ऑफ ए बी एंड सी, सम ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए इसलिए दिया है कि जब हम नीट एंड क्लीन लिखते हैं ना, फिर साइन की कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। -7 +6 प्लस इसमें सी आपके पास क्या है, 12, ठीक है, -7 + 6 + 12, अभी मैं नाम बुला के पूछूंगी किसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट में आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, अभी मैं नाम बुलाने वाली हूँ। तीनों को प्लस कर रहे हैं, -7 + 6 + 12, कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, सिक्स जी सेक्शन, महक जी सेक्शन, महक इज प्रेजेंट, कर रही हो क्या आप, फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल बैठी है, अगर आपने कर लिया तो आगे आके बता दो जल्दी से, 6G में सबसे आगे जो बच्चे बैठे हैं, यस, दोनों में से कोई भी आ जाओ, एक जन आगे आके बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आ रहा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटे, कर लो कर लो, अगर आप लिख रहे हो तो कर लो, 6F में किसने कर लिया, आगे आके बताओ, -7 + 6, मैंने आपको बोला था कि इसको स्टेप्स में करना है हमने, -7 + 6 इज -1 + 12, निकाला किसी ने आंसर, 6G में से, यस दिस बॉयज जो आगे बैठे हैं, बता दो आंसर जल्दी से, मैम आंसर है -16 -16, ओके, आपने पूरा आंसर बता दिया मेरे को, ठीक है, -16 इज राइट आंसर, इसका क्या आ रहा था आपका माइनस करके, फर्स्ट वाले का ये क्या आ रहा था, -1 + 12 क्या आ रहा था, 11 7, वेरी गुड, सबको पता है पॉजिटिव साइन आएगा, और जब आपने सी माइनस डी किया, सी माइनस डी जब उसकी वैल्यू निकालोगे, उसका आंसर आ रहा है आपके पास 27, किस किस ने कर लिया है 27, गुड,
दिस इज 27, और दोनों को जब हम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -16, ठीक है। 11 माइनस 27, 11 माइनस 27 इज इक्वल टू -16, ठीक है। सब बच्चे करो इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था इसलिए मेरे को दिख रहा है सारे बच्चे लिख रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। स्लोली स्लोली करो, आपका आंसर ठीक आना चाहिए। किसका आंसर मैच कर रहा है मेरे साथ? -16 किस किस का आ रहा है? रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड, चलो गुड बेटा। चलो अगला करते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगला वाला। इसमें बेटे आपके पास स्केल बना हुआ है, आपको दिख रहा है सबको, ठीक है। स्केल में थोड़ी सी लाइंस जो है आपसे काउंटिंग होगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। द फिगर शोज अ थर्मोमीटर विच दैट रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। थर्मोमीटर से तो टेम्परेचर मापा जाता है, सबको पता है। आंसर द क्वेश्चन ऑन अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके हिसाब से हमने टेम्परेचर पे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिनोटेड बाय ए ऑन द थर्मामीटर। ए पॉइंट आपको अच्छे से दिख रहा है थर्मामीटर पे, ठीक है। अब इसकी काउंट आपसे नहीं होगा क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जीरो किसके सामने। इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 6 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव। इसको आप ही लिख लो, वहां पे स्केल पे भी लिख सकते हो, आंसर में भी लिख सकते हो, ठीक है। राइट डाउन, ए पे आपको जो पोजीशन दिखाई जा रही है वो है 6, 0 और 10 के बीच में ही है, सबको पता है, दिख रहा है स्केल में, ठीक है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10 था, तो 10 और 0 के बीच में यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ पे है थोड़ा सा, तो ये 6 डिग्री सेल्सियस आपको ए दिखा रहा है, ठीक है। बी क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन, बी मार्क ऑन थर्मामीटर टेल्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 5:30 AM, ठीक है। जो बी मार्क है थर्मामीटर पे, बी मार्क जो दिया हुआ है वो सुबह 5:30 पे आपको एक मार्किंग दिखा रहा है। अब 5:30 पे जो बी मार्किंग दिखा रहा है, बी पे कौन सी मार्किंग आ रही है? आपको दिख रहा है ये -10 और -20 के बीच में है, नीचे सबको दिख रहा है, यहाँ -20 है, यहाँ पे -10 है, और इन दोनों के बीच में है, तो ये है -12 एक्चुअली। यहाँ पे -12 लिख लो, ये बी पॉइंट है आपका, ठीक है। तो बी पे आपकी 5:30 पे, सुबह 5:30 AM पे आपकी रीडिंग थी वहां पे -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको लिख लो -12 डिग्री सेल्सियस, बी की मार्किंग आपके पास है -12, जो कि 5:30 AM पे थी, सुबह सुबह 5:30 पे, ओके। अब वो कह रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर वार्म्स अप, वार्म्स अप के में कौन सा साइन यूज करोगे, प्लस या माइनस? सबको पता है, हमने फर्स्ट डे किया था कि जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अप में हमारा पॉजिटिव यूज होता है, डाउन में नेगेटिव यूज होता है, ठीक है। हॉट में पॉजिटिव यूज होता है, कूल में नेगेटिव यूज होता है, तो इसमें वार्म जो हो रहा है उसमें हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, +7। तो आप यहाँ पे लिखोगे -12 + 7, ओके। इफ टेम्परेचर वार्म्स अप बाय 7 डिग्री सेल्सियस एट 11:30 AM, व्हाट दैट टेम्परेचर विल बी, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, मार्क कर लो इसको ऑप्शंस में। थर्ड क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 5:30 AM इज -12, अगर सुबह सुबह टेम्परेचर -12 है और इट वॉज 2 डिग्री लेस हो गया एट 3:30 AM, उससे पहले जो था वो लेस था, -10 डिग्री सेल्सियस। हाँ, आपको टाइम पे नहीं जाना, आपको ये देखना है कि जो है वो लेस हो रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करो, मोर हो रहा है तो प्लस साइन यूज करो, वार्म हो रहा है तो पॉजिटिव यूज करो, कूल हो रहा है तो नेगेटिव यूज करो, आपको उस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। तो -2 आएगा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -14, -14, ओके।
तो आपकी ऑप्शन आएगी सी पार्ट। ओके बेटे, इन क्वेश्चंस में आपने जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें वार्म अप को सर्कल करो। वार्म अप वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके हिसाब से आपने प्लस और माइनस को चूज किया था, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में आप लेस को सर्कल करो। लेस के हिसाब से हमें पता चला कि वो नेगेटिव साइन लिया हमने। हर एक क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको हमने ध्यान से देखना होता है, नहीं तो गलती हो जाती है। सबने सर्कल कर लिया? वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। इफ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज -4, -4 लिख लो यहाँ पे, -4 डिग्री सेल्सियस, देन इट राइजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। राइजेस, राइजेस में कौन सा साइन यूज होगा? सबको पता है, राइजेस बाय 4। फॉल्स बाय 3 डिग्री सेल्सियस। फॉल्स मीन्स डाउन, प्लस माइनस। माइनस, वेरी गुड, माइनस। और उसके बाद देन राइजेस अगेन बाय 6, दोबारा से राइज हो रहा है, तो आप दोबारा से इसमें +6 कर दोगे, ठीक है। इनको सर्कल करो, पहले क्वेश्चन में राइजेस को सर्कल करो। डिग्री सेल्सियस आंसर, बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, वेरी गुड, थ्री आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, आपका 3 आएगा आंसर। दिस इज वेरी मच परफेक्ट, इट इज ऑल राइट। पहले क्वेश्चन में इनको सर्कल करो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे, राइजेस को सर्कल करो, फॉल्स को सर्कल करो, दोबारा राइजेस जो आ रहा है वर्ड उसको सर्कल करो, ठीक है। पहले राइज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर से राइज हुआ, उसके हिसाब से हमने प्लस माइनस का साइन क्वेश्चन में यूज किया है। इज इट क्लियर? इसलिए आपका 3 आंसर आया। जिस से 3 निकाला, रेज योर हैंड। टाइम इज ओवर, यस आई नो। लास्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, उसकी प्लीज मार्क कर लो ए ऑप्शन। प्लीज इसको अपने आप करना होमवर्क में। फिफ्थ क्वेश्चन की ए ऑप्शन मैं बता रही हूँ, आपको क्लू दे रही हूँ, प्लीज ट्राई एट होम। ओके, हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। 16 डिग्री सेल्सियस। यस, वेरी गुड, 16 डिग्री सेल्सियस। फाइव क्वेश्चन, ओके। आई मैम, बाय बेटा, बाय।